टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सीक्रेट प्लानिंग मेड बाय लुईस 16। सबको पता है लुईस ने सीक्रेट प्लानिंग किस किस कंट्री के साथ की? ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। व्हेन लुईस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज हिज पावर्स बिकेम लिमिटेड एंड दैट्स व्हाई ही मेड सीक्रेट प्लानिंग विद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया एंड आस्क्ड देम टू अटैक ऑन फ्रांस। बट नेशनल असेंबली केम टू नो अबाउट दिस एंड नेशनल असेंबली ने लोगों को कौन सी फीलिंग्स उन नेशनल असेंबली ने स्प्रेड की? फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड बाय नेशनल असेंबली। इन दोज डेज नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस वाज रिटन। हियर यू हैव लर्न द नेम ऑफ द पर्सन रॉजर डी आइजल एंड मर्सीलेस। द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ फ्रांस वाज रिटन इन दोज डेज मर्सीलेस and it was written by Roger D. Isel. You have to learn the name. One more question mein pucha ja sakta hai, who wrote Marseillaise, the patriotic song of France? So, is way se ab wo France ka kya ban chuka hai? National anthem. Earlier, usne patriotic song likha tha. Now, it is considered as the national anthem of France. Yehi song, jo patriotic song tha, now it became the national anthem of France. Theek hai, ab France mein as National Assembly divided people into two parts, active and passive. So people were not satisfied with the National Assembly. In those days, many political clubs were set up in France. Out of these, Jacobin Club was the most important political club. Ab Jacobin ka jo name hai na, first of all, to Jacobin ka name jo liya gaya, that is taken from convent of Saint Jacob in Paris. Convent ek religious building. सेंट जैकब इन पेरिस, वहां से ये नाम लिया गया इनका। जैकोबिन्स जो थे इन्होंने विदाउट नी ब्रीचेस पहने, मींस लॉन्ग ट्राउजर्स, स्ट्राइप्स वाली लॉन्ग ट्राउजर्स पहनी विद रेड कैप। इनकी रेड कैप सिंबलाइज करती है लिबर्टी। ट्राउजर्स वाली इन्होंने स्ट्राइप्स वाली ट्राउजर विद रेड कैप विदाउट नी ब्रीचेस। और नी ब्रीचेस कौन पहनते थे? Nobles. Earlier, nobles, they wore knee breeches. But Jacobins, इन्होंने अपना dress code change किया. They started wearing trousers, stripe वाली trousers पहनी with the red cap. Red cap of the Jacobins symbolize. क्या word करता था? Liberty. अब Jacob word कहाँ से लिया गया? Jacobins एक building है, convent, Saint Jacob in Paris. Religious building Saint Jacob in Paris. Paris is the capital of France. Paris is the capital of France. तो इसमें आप ये पहले बताओगे कि Jacobins का लीडर कौन बना? Robespierre. Maximilian Robespierre, अगर फुल नेम हो तो Maximilian Robespierre. कैसी गवर्नमेंट लेके आया? Republican form of government. इलेक्शंस करवाए। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज नोन एज कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज नोन एज कन्वेंशन। इलेक्शंस करवाए, इक्वल काइंड ऑफ ब्रेड लेके आया, इक्वालिटी लेके आया। एंड साथ में इसने एक और काम किया, ही अबॉलिश्ड स्लेव ट्रेड, स्लेवरी अबॉलिश। इन विच ईयर रॉबेस्पियर अबॉलिश स्लेवरी? 1794। 1794 में फ्रांस में क्या अबॉलिश होगी? स्लेवरी। Slavery was abolished, equality was established, slavery was abolished, and he introduced republican form of government, the government in which had been elected by people though in an indirect manner. Republican form of government, elections karwaye, elections jo the uske baad newly elected assembly jo thi that was known as convention. तो ये सब कुछ रॉबेस्पियर ने किया एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप होगी। पीपल वर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अगेंस्ट द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इफ दे कॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे वर गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स बाय जैकोबिन्स। दे वर सेंट टू गुलेटन। नो व्हाट्स गुलेटन? इट वॉज अ डिवाइस बाय विच पर्सन वॉज बी हेडेड। किसके नाम से गुलेटन डिवाइस जो है इसका नाम पड़ा? आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर डॉक्टर गुलेटन।
जिसने इसको इन्वेंट किया था उस पर्सन का नेम था डॉक्टर गुलेटन, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया गुलेटन। इट वॉज अ डिवाइस बाय विच पर्सन वॉज बीहेडेड। ठीक है, तो रॉबस्पियर ने कितने सारे लोगों को कहाँ भेजा, गुलेटन। सो मेनी पीपल वर सेंट टू गुलेटन। यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है ओलंपे डी गॉजेस। ओलंपे डी गॉजेस जो है ना वो एक वुमेन आप कह सकते हो कि जिसने एक पॉलिटिकल क्लब सेटअप किया था। ओलंपे डी गॉजेस सेटअप हर पॉलिटिकल क्लब, बट रॉबस्पियर वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। गेव राइट टू मेल ओनली, he gave voting right only to male who were at the age of 21 whether they were property owners or not, sabko equal kyunki equality leke aaya tha। national assembly gave right to vote only to the male who were at the age of 25 but they must be property owners। robespierre gave right to vote to all male who were at the age of 21 but he was not in the favor of the rights of women, women ko rights nahi diye। to lampe d gorges she was आप कह सकते हो फ्रांस की एक वुमेन थी, सेट अप हर ओन पॉलिटिकल क्लब, बट दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय रॉबस्पियर बिकॉज वो तो चाहता ही नहीं था वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, एसोसिएशंस बनाए, वुमेन को वो राइट ही नहीं देना चाहता था। तो ओलंपे डी गॉजेस वाज आल्सो सेंट टू गुलेटन, उसे भी इसने गुलेटन भेजा था ओलंपे डी गॉजेस को भी। रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, ये जो इधर दिया हुआ है ना इसमें उन्होंने बताया वुमेन ने एक अपनी पार्टी भी सेटअप की थी, रेवोल्यूशनरी पार्टी, वुमेन की पार्टी, वुमेन ने जो राइट्स के लिए अपने पार्टी सेटअप की थी दैट वाज रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो रॉबस्पियर ने फ्रांस में कैसा पीरियड लेके आया, रेन ऑफ टेरर, आतंकवाद का पीरियड 1793 to 1794। इस पीरियड में फ्रांस में बहुत सारे लोगों को किधर भेजा गया, गुलेटन। तो इस रॉबस्पियर के पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। कौन सा विच ईयर्स इन फ्रेंच हिस्ट्री केम टू बी नोन एज रेन ऑफ टेरर, 294। नीचे ऑप्शंस में दिया जा सकता है 1791 to 1792 1793 to 1794 1794 to 1795 which is correct 93 to 94। रेन ऑफ टेरर कहा गया इस पीरियड को। तो रॉबस्पियर की किसके साथ इस पीरियड का एंड हुआ, विद द एंड ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और विद द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 और विद द आप कह सकते हो डेथ ऑफ रॉबस्पियर, डेथ ऑफ रॉबस्पियर, ये वाला पीरियड खत्म हो गया इन फ्रेंच हिस्ट्री। तो रॉबस्पियर का एंड क्या हुआ, ही वाज आल्सो सेंट टू गुलेटन। तो आफ्टर द आप कह सकते हो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, डायरेक्टरी रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस एंड डायरेक्टरी रूल ने मेक हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर देयर इन डायरेक्टरी रूल। आप बताओ क्या ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आया, नो, दिस रूल ब्रॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, व्हाई देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज देयर वर क्लैशेस बिटवीन दीज डायरेक्टर्स ड्यू टू पावर्स। ये पांच डायरेक्टर्स थे, नो डाउट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए बिकॉज पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन फाइव डायरेक्टर्स। एक हाथ में पावर्स नहीं थी, रॉबस्पियर के एक हाथ में पावर्स थी, लुइस के एक हाथ में पावर्स थी, नो डाउट अब ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड हो चुकी थी, बट वो तो पावर्स को ही लेके लड़ी जा रहे थे आपस में। तो देयर रूल ब्रॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नाउ पीपल वांटेड टू गेट अप फ्रॉम गेट अप गेट रिड फ्रॉम दिस रूल एंड दे वर इन सर्च ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर। उनको कौन स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा, नेपोलियन। नेपोलियन था कौन, अर्लियर ही वॉज मिलिट्री डिक्टेटर, अर्लियर ही वॉज मिलिट्री डिक्टेटर, लेटर ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। तो क्या डिड ही बिलोंग टू बॉर्बन डायनेस्टी, नो, ही वॉज आउटसाइडर। लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी। Did Napoleon belong to Bourbon dynasty? No, he was outsider. But he was liked by the people. Who issued civil codes? Napoleon. In which year he issued civil codes? 1804. So, अगर आपको पूछा जाए, who issued Napoleonic codes? Napoleon. In which year Napoleonic codes were issued? 1804. Civil codes, Napoleonic code, एक ही बात है. तो क्यों लोगों ने इसे लाइक किया? Because उसके कोड्स के कारण। क्या नेपोलियन ने मोनार्की को रीइंट्रोड्यूस किया, यस। डिड नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, यस। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स स्लेवरी वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, 10 इयर्स। हु फर्स्टली अबॉलिश्ड इट, रॉबस्पियर। हु रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, इन विच ईयर स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन फ्रांस फर्स्टली, 1794।
इन विच ईयर इट वॉज रीइंट्रोड्यूस्ड 1804 नेपोलियन ने इसे रीइंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने मोनार्की भी दोबारा लेके आया एंड स्लेवरी भी दोबारा रीइंट्रोड्यूस की बट स्टिल ही वॉज लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस ओनली बिकॉज ऑफ हिज सिविल कोड सिविल कोड्स के कारण लोगों ने इसे लाइक किया क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं पूछना आपसे क्योंकि ये सब्जेक्टिव का पार्ट है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेपोलियन को लोगों ने क्यों इन्वेडर बोला व्हाई पीपल कॉल्ड हिम इन्वेडर बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेडिंग अदर यूरोपियन कंट्रीज ही वांटेड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस व्हाई पीपल कॉल्ड हिम लिबरेटर लोगों ने जब नेपोलियन आया तो कहते लोगों ने सुख का सांस लिया लोगों ने कहा थैंक गॉड के एक तो लिबरेटर आया बिकॉज ऑफ ए सिविल कोड उसने जब सिविल कोड इशू किया ना तो लोगों ने कहा वेरी बहुत अच्छी बात है हमारा जो अब रूलर है ना वो लिबरेटर है बट वेन नेपोलियन स्टार्टेड इन्वेडिंग अदर कंट्रीज पीपल कॉल्ड कि नहीं ये लिबरेटर नहीं है ये तो इन्वेडर निकला तो अब लोग उसे इन्वेडर कहते थे बिकॉज ही स्टार्टेड अटैकिंग अदर यूरोपियन कंट्रीज ही वॉन्टेड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस फॉर दिस ही अटैक्ड अदर यूरोपियन कंट्रीज तो यूरोपियन कंट्रीज भी कहाँ चुप बैठेंगे अगर नेपोलियन उनके घरों पर अटैक करेगा विच कंट्रीज ए बी आर पी ऑस्ट्रिया अभी भी देखो मैं टेंथ में ये चीज लर्न करवा रही हूँ तो आपको अभी से लर्न रहनी चाहिए ये टेंथ की बिगनिंग फिर यहीं से है नेपोलियन से ही चैप्टर आपका टेंथ का यूरोप स्टार्ट होना है ठीक है फिर आपने टेंथ में जाके नेपोलियनी कोड करने हैं तो मीन्स ये सारा चैप्टर आपका आगे जाना है तो नेपोलियन के अगेंस्ट अलायंस बनाया किन्होंने ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड अलायंस मीन्स हैंड ज्वाइन करना व्हाट डू मीन बाय द बाय एन अलायंस हैंड ज्वाइन करना विच कंट्रीज मेड एन अलायंस अगेंस्ट नेपोलियन ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड रशिया नीचे एक कंट्री गलत भी दे सकते हैं ठीक है फिर आपको पूछा जा सकता है विच इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया रशिया होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगी जैसे मैं अभी बोलूँ ऑस्ट्रिया ब्रिटेन जर्मनी एंड इंग्लैंड इज इट करेक्ट सॉरी इंग्लैंड तो ब्रिटेन ही है ऑस्ट्रिया ब्रिटेन जर्मनी एंड जापान इज इट करेक्ट नहीं तो आपको वहां पे देखना है कि कौन सी कंट्रीज करेक्ट है तीन ऑप्शन देके पूछा जा सकता है विच इज द करेक्ट इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया रशिया होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगी तो दीज कंट्रीज मेड एन अलायंस अगेंस्ट नेपोलियन एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वाटरलू वाटरलू की बैटल कब हुई वनमा क्वेश्चन 1815 Who got defeated in this battle? Napoleon. क्या punishment मिली? He was sent to St. Helena's Island as prisoner, where he died in 1822. अब Napoleon जो था उसकी तो death हो गई है ना अब France में क्या क्या हुआ France में women को ये नहीं आना because it's not given. France में women को right to vote कब मिला 1946. In France, in which year women got right to vote? 1946. In which year male got right to vote 1791 male ko right to vote kab mila 1791 when new constitution was set up by national assembly to unhone male ko maybe unhone 25 ke age wale male aur property owners ko hi right diya tha but right to diya hi tha na to suffrage universal suffrage nahi tha wahan pe earlier suffrage was adopted only male ko hi diya tha ab women ko kab ye right to vote mila in 1946 स्लेव ट्रेड टोटल अबॉलिश कब हुआ 1848 पहले कब अबॉलिश हुआ था 1794 रीइंट्रोड्यूस कब हुआ 1804 एंड टोटली अबॉलिश्ड इन 1848 स्लेव ट्रेड टोटल अबॉलिश कर दिया फ्रांस की गवर्नमेंट ने 1848 में वुमेन को राइट कब मिले 1946 आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर अबाउट हाउ मेनी इयर्स 200 इयर्स Feminists are the people who believe in equal rights for both men and women. तो फ्रांस की वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर सकती थी करती भी थी फ्रॉम टाइम टू टाइम क्योंकि वो राइट्स की डिमांड करती रहती थी फ्रांस में वुमेन आप कह सकते हो टू काइंड्स जॉब करती थी आउटसाइड एंड इनसाइड तो वुमेन एज ए फ्लोरिस्ट छोटे छोटे बिजनेस चलाती थी फ्रांस में कहीं ना कहीं वुमेन की कंडीशन इतनी पुअर नहीं थी तो अब वो तो अगर आप जर्मनी के साथ बाद में अगर कंपेयर करते हो तो उसको तो बाद में देखा जाएगा नेक्स्ट इज वुमेन की मैंने एक पार्टी आपको लर्न करने के लिए बोला है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन लर्न दिस द नेम ऑफ दिस पार्टी
सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, कितने क्लब सेटअप हुए थे डिफरेंट सिटीज ऑफ फ्रांस में? अबाउट 60 वुमेन क्लब्स। हाउ मेनी वुमेन क्लब्स वर सेटअप इन फ्रांस? 60 क्लब्स वर सेटअप इन फ्रांस। वुमेन ने नियर अबाउट 60 क्लब सेटअप, मैं बोलती हूँ पार्टी का नेम, वुमेन ने फ्रांस में कितने क्लब सेटअप किए थे? नियर अबाउट 60, चाहे उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया उन्होंने, रॉबेस्पियर ने तो ओलंपेडी गॉर्जेस को बुलेटिन ही भेज दिया था, बट वुमेन वहां की एक्टिव थी और उन्होंने सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सेटअप की थी, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये उनका क्लब है वुमेन का, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। 60 क्लब्स, जैसे मैं बोलती हूँ कि फ्रांस में कितने क्लब्स बने, आउट ऑफ दिस जैकोबिन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब, अब मैं कह रही हूँ 60 क्लब्स बने वुमेन के, आउट ऑफ दिस विच वुमेन क्लब वाज द मोस्ट पॉपुलर? सोसाइटी वुमेन क्लब, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड, ये वुमेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था। नेक्स्ट, ओलंपेडी गॉर्जेस के बारे में दिया हुआ उन्होंने। 1791 में शी रोट डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, आपने किया है डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, किया ना, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे स्टार्ट होता था, ये किसने स्टार्ट किया डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? ओलंपेडी गॉर्जेस, कौन से ईयर में उसने ऐसा लिखा? 1791 शी रोट डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जबकि हम पहले करके हैं डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, हु रोट डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? ओलंपेडी गॉर्जेस। अब इसके अलावा इस लेसन में आप अपने आप कुछ डू थोरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर।